नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय देव उठनी एकादशी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देव उठनी एकादशी जिसका बड़ा ही बेसब्री से आप सभी भक्तों को इंतजार रहता है। देव उठनी एकादशी कब है और देव उठनी एकादशी के दिन किन किन लोगों के लिए विशेष उपाय कार्य कर सकता है या किनके लिए मनोवांछित फल देगा, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। साथ ही देव उठनी एकादशी के बाद किन किन कार्यों को किया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, देव उठनी एकादशी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप सभी को पता ही होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को ही भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु शयन करने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं, जो कि पूरे 4 महीने तक वहाँ शयन करते हैं। उसके पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को वह शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं देव उठनी एकादशी या फिर देव उत्थान एकादशी या फिर उसके अलावा प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यह एकादशी कब है और इसकी जो तिथि है उसका प्रारंभ कब होगा और साथ ही साथ में समापन कब होगा और इस दिन क्या विशेष करना चाहिए जिससे पूर्ण लाभ जीवन में हो और बड़े बदलाव आपको देखने को मिले, या जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 4 नवंबर 2022 यानी कि शुक्रवार के दिन इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है देव उठनी एकादशी वह होगी। एकादशी का अपने आप में शास्त्रों में बड़ा ही अद्भुत महत्व है। पूरे 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती है, जिन 24 एकादशियों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग महत्व है उनका। हालांकि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का ही व्रत किया जाता है और उनका ही पूजन करने से जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वर्ष जो एकादशी तिथि है वह प्रारंभ कब होगी, सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 3 नवंबर शाम को प्रारंभ का जो समय होगा वह शाम को 7:30 बजे 3 नवंबर यानी गुरुवार को ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्ति जो है वह 4 नवंबर 2022 यानी कि शुक्रवार के दिन शाम को 6:08 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि एकादशी जो व्रत है या एकादशी जो तिथि है व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार का आहार होना चाहिए। तो सबसे पहले गुरुवार यानी कि जो 3 नवंबर की बात करें वहां पे उसी समय से आपको क्या करना चाहिए, सात्विक विचारधारा के साथ सायंकाल के समय सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए। वह भी भोजन सात्विक आहार होना चाहिए और उसके बाद अंतःकरण शुद्ध करके और दूसरे दिन प्रातःकाल यानी कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल आपके आसपास में तीर्थ स्थल है तो वहाँ स्नान करें और नहीं है तो आपको गंगा जल जल में मिश्रित करके स्नान कर लेना चाहिए और व्रत को आरंभ कर देना चाहिए पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उस दिन से किन किन कार्यों को आरंभ किया जाता है ये जानकारी मैं पहले आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये 4 महीने कि जो बात हमने की थी कि देव सैनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक जो कार्य वर्जित है उसमें वास्तु पूजन, गृह प्रवेश और साथ ही साथ मांगलिक कार्य जैसे उपनयन, संस्कार हो गए, विवाह हो गया, ऐसे मांगलिक कार्य उस समय स्थगित रहते हैं यानी कि उस समय नहीं किए जाते हैं। लेकिन वही देव उठनी एकादशी के दिन से भगवान शयन कक्ष से बाहर आते हैं, भगवान उठ जाते हैं, भगवान नारायण, और वह अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं और उस दिन से मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, वास्तु पूजन हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह आदि से जुड़े हुए सारे मांगलिक कार्य वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि उस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान ध्यान इत्यादि करके आप भगवान विष्णु का पूजन करें, विधिवत पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। साथ साथ में अगर पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो पाठ का श्रवण मूल मात्रेण श्रवण कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर भगवान विष्णु का पूजन, सत्यनारायण का पूजन भी उस दिन करने से पूर्ण लाभ आपके जीवन में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का पूजन षोडशोपचार करें और पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी आपको, साथ ही साथ में मनोवांछित फल भी आपको प्राप्त होगा।
विशेष करके यह जो एकादशी है इस दिन सायंकाल के समय तुलसी विवाह भी किया जाता है, तुलसी का पूजन किया जाता है सायंकाल के समय, और वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और प्रातः काल में भगवान विष्णु का पूजन इत्यादि करें, वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान नारायण का आवाहन और स्थापन करें, विधिवत उनका पूजन करें, भगवान को लड्डू का सुंदर भोग लगाएं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अनेक अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। मित्रों, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, स्पेशली जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, या फिर मांगलिक दोष जन्म कुंडली में होता है, मांगलिक योग हो या फिर किसी और कारण से बृहस्पति डैमेज हो कुंडली के अंदर, और जिसके कारण महादशा अंतरदशा इत्यादि हो, और कहीं से कुछ न कुछ कारण बनता हो जिससे विवाह में विलंब का योग बन रहा है, तो निश्चित तौर पर देव उठनी एकादशी आपके लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका होगा। इस दिन आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें, यानी उनके प्रतिमा का अभिषेक करें, लेकिन अभिषेक किस चीज से करना है, जल में अष्टगंध या फिर हल्दी पाउडर मिश्रित करके आप भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं। इससे पूर्ण लाभ होगा और जीवन में स्पेशली जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह का शीघ्र योग बनेगा। या फिर आप मंत्र में बदलाव भी कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी पूर्ण लाभ का योग बनेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।